Hi everyone, welcome to my channel Life Out of the Box. So today I have come with the recipe of Sattu ka Paratha. This is very easy to make, quick, easy and also time effective. Hope you like it. And also if you have not subscribed the channel yet, please subscribe the channel and hit the bell icon. पहले पराठे के लिए डो बनाएंगे। आई मेंशन ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दो कप आटा ले लिया, स्वाद अनुसार सॉल्ट, रिफाइन ऑयल 2 टेबलस्पून। अभी सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे, जैसे हम लोग पराठे के लिए बनाते वैसे। Dough is ready. Now I will keep it aside and rest it for 15 minutes. अभी सत्तू का स्टफिंग बनाएंगे। 4 टेबलस्पून सत्तू ले लिया है, उसके साथ सॉल्ट, शुगर, चॉप्ड ग्रीन चिली, चॉप्ड जिंजर, आचार, ड्राई रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, रेड चिली, अजवाइन, मस्टर्ड ऑयल, चॉप कोरिएंडर लीव्स, चाट मसाला ऐड किया है। मैंने यहाँ पे घर पे बना हुआ आचार ले लिया है। आप चाहे तो मार्केट से कोई भी आचार ले सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इसका एक डो बनाएंगे। थोड़ा हार्ड डो बनाएंगे, सॉफ्ट नहीं, ऐसे गोला बना के रखेंगे। मीडियम साइज का आटे का पेड़ा बना लिया है, उसके अंदर सत्तू का स्टफिंग डालेंगे। अभी इसको बेल लेंगे पराठे जैसा, ज्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा थिक रखेंगे इसको। मीडियम हीट पे पराठे को दोनों साइड से सेक लेंगे। अभी थोड़ा रिफाइन ऑयल डालेंगे, पराठे को फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे रिफाइन ऑयल यूज किया है, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों साइड से पराठों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बन गया हमारा नो ऑनियन नो गार्लिक सत्तू का पराठा। वेरी टेस्टी, वेरी इजी टू मेक।